ओम शांति। आज बहुत स्पेशल डे है। आज दादी, हमारी दादी गुलजार दादी है ना, छोटा नंदी कहते हैं उनको, 11 मार्च 2021 को आज अव्यक्त वतनवासी हुई थी। तो उसके उपलक्ष में कुछ अनमोल वचन है, वो हम सुनते हैं एक बार। मुरली में ही आया है, सभी सुनेंगे। आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर, अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली, बाप दादा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन, अपने जीवन में उतार कर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करेंगे। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है ना। दुनिया में फूल चढ़ाना वगैरह ये सब करते हैं और हम भी करते हैं, ब्राह्मण आत्मा है ये, लेकिन वो करते हुए ये ना करें तो फिर वो क्या मनाया। बाबा कह रहे हैं ये है सच्ची श्रद्धांजलि, ऐसे बोलते हैं हमेशा बाबा, है ना, मनाना अर्थात बनना। तो अभी गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन सभी अपने पास लिख भी सकते हैं। नंबर एक पॉइंट, अपनी सब जिम्मेवारियां, अंडरलाइन, अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। सब जिम्मेवारियां, आज मुरली के अंदर भी आई है बहुत सारी बातें जिम्मेवारियों की, अंडरलाइन करेंगे। क्या कहा दादी, क्या कहती हैं, बाबा को दे दो, और बाबा को देने से डबल लाइट हो जाएंगे, तब खुशी में नाचेंगे। तो यहाँ बहुत बड़ा सवाल है कि बाबा को दे कैसे, क्योंकि कई आत्माएं जब देना नहीं जानती है तो फिर हो ही नहीं सकता, उसको तो अपनी जिम्मेवारी लगती है वो, और फिर वो लाइट न रहने के कारण बोझ महसूस करती है, जिम्मेवारियों के बोझ के तले दबी हुई, तो खुशी में नाच नहीं सकते ना। ये इम्पोर्टेंट है जानना कि बाबा को दिया कैसे जाता है, जो हम रोज के महावाक्यों में सीखते ही रहते हैं। दूसरी बात, मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एक बाप में। आज के मुरली जो आज प्रश्न उत्तर था, सभी ने ध्यान दिया होगा, कुसंग किसे कहते हैं, जब आत्मा देह को याद करती है और देह के संबंधों को याद करती है, और इसके कारण बाबा ने कहा कुसंग आ गया, है ना। तो अभी दादी भी क्या कहती है कि मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एक बाप में, और कहीं भी लगाया तो वो कुसंग है, आज बाबा ने कहा, है ना। तो इससे कहेंगे एकाग्र करना, और ये अगर एकाग्रता आ गई तो यही है सच्ची साधना, बाबा के साथ बुद्धि को लगा देना, ये है एकाग्रता और यही है सच्ची साधना। और कैसे, अब इस पे भी चिंतन करते रहते हैं हम, है ना, कि हम सब काफी कुछ बाबा की मुरली से समझते हैं इन बातों को, कि बाबा में एक एक बाप में बुद्धि लगाने के लिए कई विघ्न आते हैं, बुद्धि वहां वहां जाती है, तो जहां जहां जाती है बाबा ने कहा चेक करो और चेंज करो, अपनी कमजोरियों को देखो, चार्ट लिखो, बहुत सारे उपाय बताए बाबा ने, है ना। तीसरी बात है परमात्मा प्यार ही ना? और कोई प्यार नहीं, परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। तो अगर कोई कहे कि मेरे लिए कोई इतना करता है इस दुनिया में, तो इस दुनिया में कोई भी जो भी देह अभिमान में है, क्योंकि वो आत्मा नहीं समझता है अपने को, तो पता नहीं चलता हमें, हमें लगता हमारे लिए कर रहा है, लेकिन उसमें स्वार्थ छिपा होता है। हम जितने महीन बुद्धि होते जाते हैं, हमको इस बात की खबर लगती जाती है, पता पड़ता जाता है, इसलिए हम ये बातें नहीं समझ पाते हैं बाबा की, जो बाबा इतनी क्लियर वे में बताते हैं। और वही बात दादी कह रही है कि परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। कोई कहे मेरे पिताजी तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरी माँ तो इतना ख्याल रखती, तो सत्य बात है, इसको झूठ कैसे मानेंगे, कितना ख्याल रखते हैं वो। लेकिन
बाबा की मुरलियों से हमने जाना कि ख्याल हम किसी का क्यों रखते हैं। मानो मैं किसी का बहुत ख्याल रखती हूँ इस दुनिया में, तो बहुत ख्याल रखना ये क्यों होता है? आत्मा जब आत्माभिमानी नहीं होती है तो क्यों होता है ये? क्योंकि आत्मा को उसके जाने से, उसके छिनने से, उसके दुख होने से दुख हो जाता है। उसको कुछ होता है तो हमें कुछ हो जाता है, तो इसलिए उसकी पालन और पोषण करते हैं ताकि उसको दुख ना हो, ताकि हमको दुख ना हो। ये रिलेट करता है। इसलिए दादी ने कहा परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। बाबा को तो कोई दुख होता नहीं, और बाबा हमारे लिए करता ही रहता है, करता ही रहता है। तो देखो कितना निस्वार्थ प्यार है ये। तो वो कैसे हम रिटर्न दे? तो दादी ने कहा समान बनो, बाप समान बनो। तो कल हम यहाँ सेंटर गए थे तो बहुत सुंदर एक बात मुरली में निकली। दीदी जी ने कहा कि रिटर्न देंगे कैसे ये नहीं सोचना है, और ये हमेशा हम ग्रुप में बात भी करते रहते हैं बाबा की मुरलियों से। फिर से एक बार ध्यान खिंचवाते हैं, जो कल दीदी जी ने भी ध्यान खिंचवाया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनूंगी, नहीं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो ये तो समझ में आता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि मैं बाप समान हूँ। बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, ये रहता है। नहीं, कहा बहुत अच्छी लगी ये बात, बाप समान हूँ मैं, मतलब और सचमुच हूँ। इसमें ये असत्यता वाली बात नहीं है, ये सत्य है। और हम बाप समान महसूस क्यों नहीं करते जब है ही बाप समान? वो भी बिंदी, मैं भी बिंदी, वो भी एनर्जी अविनाशी, मैं भी एनर्जी अविनाशी, तब तो महसूस क्यों नहीं करते? वो मैल के कारण जो द्वापर युग से अभी तक में चलते चलते चढ़ गई, उस मैल के कारण महसूसता नहीं होती। तो बाबा आया और कहता है वो मैल को छुड़ाओ, हटाओ, सफाई कर, मैं करता हूँ तुम्हारी। तो क्या हो जाएगा? बाप समान महसूस होने लग जाएगा। बाकी वो तो हम है ही बाप समान, हम है ही बिंदी, हम है ही परम धाम के निवासी। जी है ना, तो रिटर्न ऐसे देना है, मैं बाप समान आत्मा। चौथा नंबर पॉइंट है बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए। अब कई बार हम कहते हैं ना बाबा बाबा को अपना अनुभव नहीं हो रहा है, आज पता नहीं क्या हो गया। जैसे ना स्थिति भी जब ऊपर नीचे रहती है हमारी, मान लो कोई परिस्थिति आई भी नहीं है तो भी हमारी स्थिति कई बार ऊपर नीचे रहती है, कुछ ना होते हुए भी। आज अच्छा लग रहा है, कल अच्छा नहीं लगता, हाँ ऐसा ऊपर नीचे। तो क्या कहा? बाबा के साथ का अनुभव नहीं होता ना उस समय, तो बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। तो होता क्या है दिन भर में, अगर हम ऐसे देखें कि बाबा समान अनुभव क्यों नहीं हो रहा हमको, उसके साथ का अनुभव क्यों नहीं हो रहा हमको, तो इसका मतलब है दादी ने कहा कि मन बुद्धि क्लीन भी नहीं है और क्लियर भी नहीं है। इसको समझे थोड़ा सा, क्लीन किसे कहते हैं और क्लियर किसे कहते हैं? क्लियर का अर्थ होता है बहुत क्लैरिटी से बुद्धि में समझ आना। क्लियर है ये चीज मेरे लिए, ऐसे बोलते हैं, क्लैरिटी है मुझे इस बात की, ऐसे बोलते हैं। तो ये हो गया ज्ञान, क्लियर। लेकिन मुझे क्लियर है लेकिन मैं क्लीन नहीं कर पा रही, मुझे समझ है लेकिन मैं सफाई नहीं कर पा रही हूँ उसकी। मुझे पता है ये मेरी गंदगी है, मुझे पता है ये मेरे अंदर खाद लगा है, लेकिन मैं उसको साफ नहीं कर पा रही हूँ, यानी क्लीन नहीं कर पा रही। तो क्लीन एंड क्लियर का अर्थ हुआ सच्चाई और सफाई। सच्चाई से एक तो अपनी कमजोरियों को देख पाना, क्लैरिटी से देख पाना, क्लियर तरीके से मेरे को महसूस होता है कि हाँ मेरे अंदर ये वाली गंदगी है, ये हो गई क्लियर, सच्चाई। इसलिए बाबा कहते हैं सच तो बिठो नच, ये नहीं बोला साफ तो बिठो नच, नहीं, सच तो बिठो नच।
जहां सच्चाई है वहां पे नाचेंगे आप। सफाई तो धीरे धीरे होती जाएगी, लेकिन सच्चे बनो कि हाँ मेरे अंदर ये है, कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो देह अभिमान का सबसे बड़ा चीज बना हुआ है कि हम कबूल ही नहीं करते कि हमारे अंदर ये है। तो ये बहुत बड़ी बात लगती है मुझे, ये बहुत बड़ी बात है। मन बुद्धि को बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए, यानी योग करने के लिए, यानी योग युक्त रहने के लिए, बाबा मेरा, मैं बाबा का, और दुनिया का कुछ भी अंदर ना आए, है ना, एक भी थॉट ना आए, इसके लिए इतनी सुंदर उपाय है ये, मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर करो। ठीक है, समझ में आया होगा, क्लीन और क्लियर, सच्चाई और सफाई। पांचवी बात, सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, न मूंजो, न घबराओ, न कभी दिल शिकस्त हो। आज की मुरली में भी यही है। आज बाबा ने क्या कहा, मुरली में खिटखिट होगी, डरने की बात नहीं, बीमारी आएगी, डरने की बात नहीं, लेकिन आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे। कल हम जब सेंटर पे थे तो हमने इस बात की चर्चा भी की थी वहां पे भी, कि जब कहा कि देखो बाबा कहते हैं मुरली में, वहां पे एक भाई जी बहुत अच्छा, उन्होंने जब स्टार्ट किया तो एक चिंतन की जैसे स्टार्ट हो गया पूरा। तो बाबा मुरली में कहते हैं, देखो शब्द क्या यूज करते हैं बाबा, साकार मुरली में भी और अव्यक्त मुरली में भी। इस ड्रामा को बाबा कई बार कहते हैं, सिर्फ माया का फॉर्म या मजा या खेल नहीं कहते, एक शब्द यूज करते हैं, खूने नाहिक खेल। खूने नाहिक खेल का अर्थ क्या हुआ? सब समझ सकते हैं ना कितना खतरनाक होगा खूने नाहिक खेल, उसके बिना वो खेल ही, खून रहते हुए भी आत्मा को खेल जैसा महसूस हो, लेकिन खून तो होगा उसमें। इतना एक्सट्रीमिटी वाली हिंसा, इतनी एक्सट्रीम हर कुछ। अब बाहर बोर्ड लगा है कि खूने नाहिक खेल, बहुत सुंदर बताया कल सेंटर पे, बाहर बोर्ड लगा है खूने नाहिक खेल, और जब हम अंदर गए तो चूंकि बाहर बोर्ड लगा है खूने नाहिक खेल, तो जब हम अंदर जाएंगे तो हम किस मनसा से जाएंगे? हम इसी मनसा से जाएंगे ना कि अंदर खूने नाहिक खेल देखने को मिलेगा। और अंदर उस थ्रिलिंग थ्रिल होता है ना, खूने नाहिक खेल, अरे क्या खेल है, देखते हैं इसको, थ्रिल के साथ, उस थॉट के साथ आत्मा अंदर गई और अंदर जाकर बैठी और हनुमान चालीसा चालू हो गया। अब बता उस आत्मा को कैसा धोखा जैसा लगेगा, बोर्ड तो लिखा है खूने नाहिक खेल और अंदर में दिखा रहे हनुमान चालीसा, उसको कैसा धोखा जैसा लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ जी इसको समझना होगा आज थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। लगेगा, जी दीदी, लगेगा ना, बाबा कई बार जी कहेंगे तो पूरा दीदी, लगेगा। जी दीदी लगेगा, जो बोर्ड देखते हैं वही जी दिमाग में आ जाता है दीदी, हाँ जी, दीदी है ना। कितनी इम्पोर्टेंट बात बाबा ने बताई, हम बच्चों को ये बात आज समझना है बहुत अच्छे से। देखो गड़बड़ कहाँ हो जाएगी, नहीं तो, और बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी इससे। अगर आत्मा ने, जब बाबा ने कहा ये ड्रामा सिर्फ माया नहीं है, सिर्फ ये नहीं है, खूने नाहिक खेल भी है, अचानक से भी होगा सब कुछ, डरने की बात नहीं, खिटखिट भी होगी, बीमारी भी आएगी। तो अब जब बीमारी आती है तो आत्मा कहती है, बाबा ये ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो बाबा, नहीं ये ऐसे ऐसे ठीक कर दो इसको। तो अंदर जब आत्मा उस ड्रामा को स्वीकार नहीं करती है, यानी खूने नाहिक खेल को स्वीकार नहीं कर रही है, तो उसको धोखा जैसा लगता है कि बाबा मेरा सुनता नहीं, बाबा मेरा करता नहीं। बाबा ने एक तरफ तो मुरली में कहा है, मैं तेरा हूँ, मैं तेरे लिए बैठा हूँ, तू चिंता मत कर, और मेरा तो बाबा ने किया ही नहीं, मेरा तो बाबा ने किया ही नहीं। बाबा हमें मुरली से एक बात बहुत पक्का करा रहे, हम सब अगर नोट करें बाबा की एक बात को, तो ये होना है, ये बाबा कहते हैं, जो जो बाबा मुरली में बोल रहे हैं वो सत्य है और ये होना है। लेकिन हम इस सत्य को सच नहीं मान रहे तो नाचते नहीं, सच तो बिठो नच। तो सच सिर्फ अपनी कमजोरियों का नहीं, जो पाप सुना रहे हैं कल की मुरली, जो पाप सुना रहे हैं वो सच है, कल का वरदान या स्लोगन था ऐसा, जो बाबा सुना रहे हैं वो सच है। तो अगर बाबा सुना रहे हैं खूने नाहिक खेल, अगर बाबा सुना रहा है भयंकर बीमारियां आएंगी,
अगर बाबा सुना रहे बहुत कोलाहल और हलचल होगी तो ये है सच। अगर बाबा बोल रहे खूने ना है खेल तो ये है सच। लेकिन बाबा कहता है तुम सुरक्षित रहो। ये बहुत बड़ी बात बाबा हमें सिखाते हैं, तुम असुरक्षित रह ही नहीं सकते क्योंकि तुम अविनाशी हो, तुमको कोई चीज टच नहीं कर सकती, सिर्फ तुम्हारे थॉट के कारण टच कर रही सारी बातें सारी चीजें। और एक बहुत सुंदर बात बाबा ने आज की वीडियो में कहा, देखो थॉट के कारण टच करती है बातें, तो बाबा ने कहा पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती आती। अगर पावन थॉट के साथ योग लगाएगी ना, पावन थॉट उसके अंदर रहेगा ना, तो वो पावन बनेगी, तो वो हलचल में नहीं आएगी, तो उसके डर का कोई कारण नहीं रहेगा। अगर हर वक्त उसे महसूस हो मैं अविनाशी हूँ, मैं एनर्जी, उसके डर का कारण क्या है, कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। लेकिन हाँ परिस्थिति आती है तो हम थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि हम परिस्थिति में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम अपने को वो नहीं समझते जो हम हैं, है ना। इसलिए आज पांचवी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ होगा लेकिन मौज में वही रहेंगे जो मुंझेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और दिल शिकस्त नहीं होंगे। और वो कब नहीं होंगे, जब वो स्वीकार करेंगे कि खूने ना है खेल होना ही है, ये स्वीकार करेंगे। तो समझ में आ रहा है सभी को, करेंगे स्वीकार आज जी से कुछ दीदी, होना है। जी जी दीदी, जी दीदी, जी जी दीदी, जो सामने हमारे आज हमको दिखाई देता है वो सब कुछ होना है, जो आगे हम सोचते हैं कि नहीं होगा अब बाबा मिल गया ऐसा ना सोचे, वो भी होगा और जरूर होगा। बाबा क्या करेगा, अंदर शक्ति भर देगा, तो आत्मा वो सब कुछ होते हुए इतनी शक्तिशाली बनी भी रहेगी कि उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। कल बाबा की अद्वैत महावाक्य में बाबा ने बोला तभी डिफेक्ट आ जाता है, जब कोई चीज ऐसी होती है ना कि आत्मा के ऊपर लग जाती है ना, वो उसके इफेक्ट में आ जाती है तो वो डिफेक्टेड हो जाती है आत्मा। एक मुरली भी चली है बाबा की पूरी ऐसी, इफेक्ट से डिफेक्ट आता है, इसलिए डिफेक्ट नहीं हट डिफेक्ट को हटाकर परफेक्ट बनो, इफेक्ट डिफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, बाबा का राइमिंग शब्द इतना सुंदर है। तो अब नेक्स्ट है छठा पॉइंट, अंतः वाहक शरीर यानी लाइटिंग बॉडी। और अंतः वाहक का अर्थ होता है, वाहक का अर्थ होता है वाहन जिसके द्वारा आना जाना करती है आत्मा। तो जो लाइटिंग बॉडी होती है उसके द्वारा आत्मा आना जाना करती है ना, ये बॉडी लाइटिंग बॉडी उसके लिए एक एरोप्लेन की तरह साधन बन जाती है आने जाने का, तो इसे कहा जाता है अंतः वाहक शरीर। तो बावन तो दादी का छठा पॉइंट है अंतः वाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बन। लेकिन ये वाहन को हम यूज नहीं कर सकेंगे, दादी कह रही है कि ये वाहन को यूज नहीं कर सकेंगे अगर आत्मा बोझिल रहेगी। और उसी के लिए दादी ने पहली पॉइंट बताई कि जिम्मेवारी बाप को देकर बोझ मुक्त बन जाओ, तब तो अंतवाहक शरीर को यूज कर सकोगे, नहीं तो इस धरती से उठ ही नहीं सकते, तो ऊपर ही नहीं जा सकते, तो इसका यूज करो ऐसे। सातवां पॉइंट है बाबा को दिल का हाल सुनाओ। क्या बोल रही है दादी, बाबा को दिल का हाल, कितनी कमजोरियां हैं, कितना मुझे ये हो गया आज, ऐसा भी कर दिया मैंने बाबा। और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो हर आत्मा हम महसूस भी करते होंगे कि जितना सच्चाई से हम अपने दिन भर की गलतियों को बाबा को बताते हैं ना, आत्मा के अंदर उतना रजिस्टर होता है कि ये मैंने गलत किया। जितना वो नहीं बताती है उतना रजिस्टर नहीं होता है कि ये कोई गलती है क्या। डीप तरीके से गलती रजिस्टर होते हुए भी वो रजिस्टर करती नहीं है उसको अंदर, और न कर पाने के कारण चेंज आ ही नहीं सकता, कितना ही योग लगा ले आत्मा लेकिन अगर अपनी गलती को रजिस्टर नहीं किया है तो वो चेंज नहीं करेगी। और इसीलिए बाबा को सब कुछ बताना जरूरी होता है। तो दादी इसलिए बहुत गहरा राज बता रही है, बाबा को दिल का हाल सुनाओ। ये 8 पॉइंट है टोटल, अगर ये पूरी 8 के 8 पॉइंट हमने पक्का अपने पास लिख करके और हमने पक्का कर लिया इसको अपने जीवन में, हमको कुछ और करने की दरकार नहीं पड़ेगी।
कहीं ना कहीं भूल करते ही रहते हैं, है ना। इसलिए क्या कह रही है दादी, अगर हाल सुनाएंगे क्या होगा, नैनों में बसाओ बाबा को। क्योंकि हाल सुनाने से क्या होता है ना, कईयों को अनुभव है इस बात का, इस आनंदमयी आत्मा को भी अनुभव है इस बात का, जब हम कोई गलती करते हैं और बाबा को बताते हैं हम, तो बाबा और ही ज्यादा प्यार करते हैं। किसको अनुभव है इस बात का, किस किस को अनुभव है इस बात का, माइक खोल कर बताए। जी दीदी, हाँ जी दीदी दीदी, जी हाँ दीदी दीदी, ये गलती है कि बाबा को बताना है, बहुत मन बाबा रिलैक्स हो जाता है, बाबा बाबा के सामने तो बहुत मन हल्का हो को वादा जाता है करते हैं दीदी। कि फिर नहीं करेंगे ये गलती। जी बाबा को पूरा पोता जी बाबा को पूरा पोता मिल देते हैं, है ना। बहुत अच्छा, तो बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ, तो किसी में आंख नहीं डूबेगी, है ना। ऐसा क्या होता कि बाबा दिल में बस जाता है ना, तो फिर कोई और चीज बसने की जगह ही नहीं रह गई है, आत्मा के अंदर कोई ख्वाहिश ही नहीं है बाबा के अलावा, ऐसा हो जाता है। आठवां पॉइंट है, अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए। क्या समय चल रहा है, क्या याद दिलाया दादी ने, अंतिम समय। तो अंतिम समय में कौन सी सेवा ज्यादा करनी है, मनसा सेवा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्मणा सेवा छोड़ दें। क्या होता कि हम सोचते हैं मनसा ज्यादा करें और कर्मणा कम करें, कर्मणा सेवा कम करें, लेकिन एक्चुअली है कि मनसा सेवा और कर्मणा सेवा करते रहो और दूसरे जो फालतू कर्म है उसको छोड़ो। हम वो नहीं छोड़ते, कंपेयर कहाँ करने लग जाते हैं, कर्मणा और मनसा में कंपेयर। ये तो दोनों ही जमा का साधन है। अगर आत्मा करुणा में उस स्थिति में कर रही है जिस स्थिति में उसकी मानसिक उन्नत अवस्था है, शुभ भावना, शुभ कामना, अंदर जरा भी स्वार्थ नहीं, अगर इस स्थिति से आत्मा सेवा कर रही है तो उसके लिए दोनों सेवा मनसा ही बन गई। लेकिन हम ये बात को इस रीति से ले लेते हैं कि बाबा ने तो मनसा सेवा बोला है और कर्मणा सेवा देखो कितने, तो कर्मणा सेवा नहीं करेंगे तो हो ही नहीं सकता। अंत तक ब्रह्मा बाप, दादी जानकी, दादी गुलजार, सभी जो भी महारथी हैं, किसी ने भी कर्मणा सेवा छोड़ी ही नहीं, छोड़ी ही नहीं। इसलिए हमें भी छोड़ना ही नहीं है। लेकिन जो दूसरे कर्तव्य कर रहे हैं, जो दुनियादारी के कर्तव्य कर रहे हैं, जो मेरे साथ नहीं जाने वाले उनके बारे में सोच सोच करके हम बहुत सारे कर्तव्य कर लेते, परेशान भी हो जाते हैं, उससे हल्के बन जाओ। तो सिर्फ सेवा ही सेवा करनी है फिर तो आत्मा को। तो अंतिम समय में मनसा सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको रिप्लेस कर्मणा से नहीं कर, कर्मणा सेवा से नहीं करके कर्मणा से रिप्लेस करना है, जो कर्मणा फालतू है, दिन भर में करना व्यर्थ है जो, और जो बुद्धि की कम समझ के कारण आज इम्पोर्टेंट लगता है, और वो सिर्फ बुद्धि की कम समझ के कारण। क्योंकि हमने पहले भी चर्चा किया है कि जितना ज्ञान मुरली अंदर समझ आती जा रही है, उतना हमारे दूसरे कर्तव्य खत्म होते जा रहे हैं। दूसरे कर्तव्य जो पहले करते थे आज वो व्यर्थ लगते हैं। हाँ जी, ना जी, बोलिए सभी। जी दीदी, हाँ हाँ जी जी दीदी, हम व्यर्थ लग रहे हैं। जी दीदी हाँ, बाबा, तो जो पहले करते थे आज वो व्यर्थ लगने लग गए, है ना। अब आज जो कर रहे हैं वो आगे व्यर्थ लगने लग जाएंगे। मतलब क्या, बुद्धि की तार जितनी खुलेगी ना, उतने कर्म हमें समर्थ और व्यर्थ लगते जाएंगे, ऐसा होगा महसूस। समर्थ कर्तव्य कभी खत्म नहीं करेंगे हम, कर्मणा सेवा, मनसा सेवा, वाचा सेवा, हम कभी खत्म नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे कभी भी। वाचा सेवा भी मम्मा बाबा ने अंत तक खत्म नहीं की, लेकिन वो सारे कर्तव्य खत्म कर दिए जो करने ही नहीं है ब्राह्मण आत्मा को, फरिश्ता आत्मा को, बिंदु आत्मा को, करने ही नहीं है, वो सब खत्म कर दिए। आत्मा जब बिंदी है तो आत्मा का क्या संबंध है यहाँ पे, सिर्फ भाई भाई का। और वो कोई भी सेवा करती है तो किस संबंध से करेगी, सिर्फ और सिर्फ भाई भाई का। जहां ये आया, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, लोक लाज, सोसाइटी और ये और वो, वहां गई आत्मा, वहां उसको सुख शांति महसूस नहीं होती, वो अपने को सिर्फ दिखाने में लगी रहती है, मैं अच्छी दिखूं, मैं अच्छी बनूं सबके सामने, ये चलता है ना। दादी ने कहा बहुत सुंदर बात है ये, आठ बातें, ठीक है। और सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करने की विधि मनसा सेवा। क्यों,
क्योंकि मनसा ही तो नहीं टिकती है सही जगह पे। आज देख लो, मान लो आप कर्मणा सेवा भी कर रहे हो, अगर कर्मणा सेवा में स्वार्थ है आपके, दूसरों के प्रति शुभ भावना नहीं है आपके, यही तो मनसा सेवा थी कि शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है, और तभी तो मनसा सेवा कर सकेंगे। पूरी ही मनसा सेवा की महावाक्य बाबा के अव्यय महावाक्य में ये लाइन स्पष्ट रूप से आती है कि आत्मा के अंदर क्या भाव रहे तब वो मनसा सेवा कर सकेगी। मनसा में भाव मनसा सेवा करवाता है, किस तरह का भाव है आपके पास। और अगर भाव मनसा में गलत रहता है तो वो डिसर्विस करवा देता है, वहां सेवा होती नहीं। तो इसीलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा हो जाएगा आत्मा के पास जब वो मनसा सेवा करे। ठीक है, तो ये था आज का, आज की मुरली। लेकिन अंदर का आज की मुरली में है ये, एक जैसे बाबा ने आज कहा कि सारी दुनिया में तुम ही, अंडरलाइन करें स्पेशली आपके लिए कहा जा रहा है, जैसे ये स्पेशली मैंने अपने लिए देखा है, अपने लिए, वैसे हर आत्मा अपने लिए देखे कि बाबा ने कहा सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। अब इसमें भी एक बात क्या आती है कि आत्मा, ये जब लाइन हम पढ़े और हम इसको एक समान की तरह ले लेते हैं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, बाबा तो कह ही रहा है तुम सबका कल्याण करते हो तो मैं तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, और दिन भर में विश्व कल्याण का एक भी कर्तव्य नहीं, खाली सामान ले रही है विश्व कल्याणकारी आत्मा। उसको कितने दिन तक अनुभव होगा उस सामान का, अगर मानव अनुभव होता भी है तो कितने अधूरा है। सिर्फ मनसा में सामान ले लिया, वे जो बाबा कहते हैं ना, सिर्फ याद में योग में बैठ गए और जब धारणा में आए तो जीरो। बिल्कुल यही बात है कि मैं विश्व कल्याणकारी, और सारा विश्व आसपास है उसका कल्याण ही नहीं कर रही आत्मा। सामान लिया है विश्व कल्याणकारी, डाउट नहीं है ऐसा, उछल भी रही होगी सामान में, लेकिन सारा विश्व उसके आसपास है और उसका कल्याण नहीं कर रही है। वो कैसे विश्व कल्याणकारी बनी, सिर्फ सामान से बन जाएगी, हो जाएगा ऐसा नहीं ना। ठीक है, और भी बातें हैं कुछ कुछ, रियलाइजेशन बहुत सुंदर आज बताया ना। एक और बात आज बहुत अच्छी लगी ना, फूड मिनिस्ट्री, बाबा कौन है फूड मिनिस्टर, प्रकृति ऐसी बनी हुई है कि एक भी कोई भी भूखा नहीं रह सकता यहाँ पे। एक और बात है समझने की, 2 नंबर पेज में है, कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते, जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघ्न डालेंगे, जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघ्न डालेंगे। फिर बाबा कहते हैं जो इस कुल के होंगे वह मानेंगे कि यह सत्य कहते हैं, जो इस धर्म के नहीं होंगे वो लड़ेंगे, कहेंगे यह तो रसम हो ही नहीं सकती, अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग उनको सही लगता है। बाबा ये कह रहे हैं, ये पूरे जगह पे बाबा को ये कहा जा रहा है, पूरा अगर लाइन पढ़ेंगे। अब हम इसको देखें कि पवित्रता के लिए विघ्न जो पढ़ते हैं स्कूल में, बाबा कह रहे हैं कि इस कुल के होंगे तो विघ्न नहीं डालेंगे और इस कुल के नहीं होंगे तो विघ्न डालेंगे। तो अभी कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने में हैं जिसमें जिसमें कईयों के युगलों ने, युगल चाहे पति चाहे पत्नी कोई भी है ना, कोई भी हो, शरीर रूप से कोर्स किया है, मुरली भी सुनी है लेकिन बाप को नहीं पहचाना, बाप के अर्थ को नहीं समझा, बाबा जो पवित्रता की बात कर रहे उसको नहीं समझा, तो आपस में खिटर पिटर हो गई। तो इसमें ये समझना पड़ेगा, बाबा कह रहे जो इस कुल का होगा वो विघ्न नहीं डालेगा, तो हमें ये समझना होगा कि ये ब्राह्मण कुल का नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण की परिभाषा कल बाबा ने मुरली में बताई है, ब्रह्माचारी ब्राह्मण, मनसा वाचा कर्मणा में ब्रह्माचारी वो होता है ब्राह्मण। और हम क्या समझते हैं, ब्राह्मण कुल का है ना ब्राह्मण, हाँ वो सत्ययुग के कोई जगह पे आ सकता है, कोई भी जगह पे आए वो, कोई भी जगह, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, त्रेता सत्ययुग कहीं पे भी कोई भी जगह आए वो आएगा, लेकिन ब्राह्मण कुल का नहीं कहेंगे अभी उसको, क्योंकि तो वो विघ्न रूप बना हुआ है। ब्राह्मण कुल बहुत ऊंचा कुल है, ब्रह्मा बाप के बच्चे होते हैं वो कैसे हो गया ब्राह्मण कुल का। तो ये बात बहुत क्लियर की आज बाबा ने कि ब्राह्मण कुल का कौन होगा, जो विघ्न डालेगा उसको ब्राह्मण कुल का कभी नहीं समझना। हाँ कोई पद मिल, कोई पाठ मिल जाएगा सत्ययुग तीर्थ में, ये अलग बात है,
ठीक है जी, समझ में आया? ये वाली बात समझने की थी। जी, बहुत अच्छे से समझ में आया दीदी। जी, समझ में आया, बहुत अच्छा से क्लियर हो गया सब। बहुत अच्छी बात है ये। चलो अभी हम आर्य बाबा का परख शक्ति का दो महावाक्य जो बचा है वो देख लेते हैं, फिर हम आएंगे निर्णय शक्ति पे। तो आर्य बाबा ने कहा 30/11/2009, इसको हमने थोड़ा सा देखा था और थोड़ा देखते हैं। बाबा ने कहा, हर कर्म त्रिकालदर्शी, त्रि त्रि यानी तीन, ताल यानी समय, दर्शी यानी देखना। तीनों कालों समय को देखते हुए कर्म करना। तो हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात, अर्थात क्या, हर बात को तीनों कालों को परख। कोई भी कर्म कर रही है आत्मा तो उसका आदि मध्य अंत वो अल्प काल से परखती है और सोचती है मैं तो त्रिकालदर्शी हूं। जैसे कि धारणा की, पवित्रता की, तो पवित्रता की धारणा करने से बाबा ने कहा ना तीनों कालों को देखो, तो जब मैं ये धारण करूंगी तो फिर ये वाली चीज आ जाएगी ना, ये वाला पेपर आ जाएगा ना, तो फिर कैसे करूंगी धारण। इसीलिए बाबा ने कहा ना त्रिकालदर्शी बनने, तो आराम से युक्ति से धीरे धीरे तीनों कालों को देखते हुए मैं कर रही हूँ ना। नो, दिस इज नॉट त्रिकालदर्शी, इसको नहीं कहते। त्रिकालदर्शी होता है एक बेहद का मैप आत्मा की बुद्धि के अंदर, बेहद का। बेहद किसे कहते हैं कि पवित्रता आज बाबा ने आकर बोली और हमसे मांग की है कि तुम ब्राह्मण बच्चे हो, निराकारी हो और ये शरीर मेरा है, तुम इस शरीर को यूज गलत जगह नहीं कर सकते, तुम अपने साथ ये शरीर लेकर नहीं आए थे, मैंने तुमको इस सृष्टि पर ये शरीर दिया है, तुम निराकारी ऊपर बिंदी थे तो तुम तो तुम ही थे ना, तो तुम्हारे साथ गुण है खाली, बाकी ये शरीर वरीर और ये दुनिया के जितनी भी बातें वो सब बाबा ने दी हमको जब हम इस धरती पर आए। तो जब आत्मा ये कहती है कि पवित्रता में ये पेपर आते हैं, इसलिए मैं ये अभी नहीं करूंगी, तो वो उस काल को नेग्लेक्ट कर रही है जो काल यानी समय उसको ये भी बता रहा है कि तुम वो अविनाशी आत्मा हो, तुम ये पत्नी नहीं हो, तुम ये पति नहीं हो। वो काल को वो भूल गई, और जब वो परख नहीं पा रही अपने आप को कि मैं वो हूं, तो फिर वो कर्तव्य कैसे करेगी या उसके अंदर शक्ति कैसे आएगी वो करने की। शक्ति ही तभी आती है जब उसको ये पता रहता है कि मैं कौन हूं। पहला चैप्टर आत्मा हूं और सिर्फ परमात्मा की हूं, फर्स्ट चैप्टर। आज कई बच्चे ज्ञान में इससे चलते हैं कि मेरा पति छोड़ दिया मुझे, मेरे बच्चा नहीं है, मेरे ये नहीं है, तो बाबा ये ठीक करेगा भी नहीं, ये ठीक नहीं करेगा, बाबा ने मना कर दिया, सब मुरलियों में मना कर दिया बाबा ने। और जिसको ये आस है वो बाबा की मुरली छोड़ सकते हो, क्योंकि ये आस रखना मतलब मूर्खता, एकदम धोखा खाएंगे वो बच्चे, एकदम खाना ही है धोखा उन बच्चों को। ये आस रखनी है कि मैं अपने बाप का बच्चा और बाप की तरह सुख और शांति से भरपूर बनूंगा ये। और आस क्या रखनी है, ऐसा करना है कि हूं ही अब भी भरा पड़ा है मेरे अंदर, और तुरंत आत्मा को महसूस होगा, उसी समय महसूस होता है आत्मा को। तो अब क्या किया आत्मा ने, जब आत्मा ने तीनों कालों को परखा कि मैं कौन हूं, लंबी जर्नी भी देखी आगे वाली कि मैं वही हूँ जो जर्नी करूंगी और वही मैं वही हूँ जो जर्नी करते हुए आई हूँ, लाइट बाबा का बच्चा हूँ, तीनों काल देख रही, अब बताओ उसके कर्म कैसे होंगे। हो सकते हैं माँ वाले, पत्नी वाले, संबंधों वाले, दुनियादारी निभाने वाले, शादी में लेन देन करने वाले हो सकते हैं निराकारी आत्मा के। जी हाँ नहीं जी बोलिए दीदी, नहीं जी, ये जवाब दीदी ही हो सकते, वो हद ही है। ठीक नहीं है, लेकिन अब अभी हो रहे हैं क्योंकि हम धीरे धीरे निराकारी अनुभव करने लगे हैं, ये अलग बात है कि हम अभी कर नहीं पा रहे, ये एकदम अलग चीज है। लेकिन क्या करना है ये क्लैरिटी होनी चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर लक्ष्य को साध लिया है तो लक्षण आते जाएंगे, बहुत मुरली में बाबा ने ये बात बोली। अब मुझे लक्ष्य का पता होना चाहिए कि ये मेरे काम की चीज नहीं है, भले आज मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, वो मैं योग से विकर्म विनाश करूंगी, ज्ञान की समझ और पैदा करूंगी और लाऊंगी अपने अंदर वो शक्ति, लेकिन समझ तो हो कि करना क्या है, इसमें तो हम किसी से बहस ना करें।
अपने को हम इतना समझदार समझने लगा, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना ड्रामा में। ड्रामा में इन्वॉल्व होने के कारण हमें पता ही नहीं चलता है कि हम वहां पे थोड़े से बेसमझ बन जाते, थोड़े से, ज्यादा नहीं तो थोड़े से कभी बन जाते हैं, है ना। तो इसीलिए तीनों कालों परख कर फिर कर्म करने वाले, इसके लिए दो बातें आवश्यक है, ठीक है। तीनों कालों को परखने के लिए दो बातें आवश्यक है, और वो दो बातें कौन सी है, देखो आत्मा क्या देखती है तीनों कालों में। एक तो संबंध देखती है तो रुक जाती है कि मैं ये संबंध, इसीलिए कहा माँ बेटी पत्नी ये सब देखने लग जाती है आत्मा, तो इसमें परखना पड़ेगा आत्मा को। और एक संपत्ति, ये जो भी चीज इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो मेरा है ही नहीं, है ही नहीं। इन्हीं दोनों जगह धोखा खा रही है और त्रिकालदर्शी बन नहीं पा रही है, क्योंकि तीनों कालों को देख नहीं पा रही है, अपने को निराकारी महसूस कर नहीं पा रही है, आत्मा समझ नहीं पा रही है। तो धोखा कहाँ खाती है, वो संबंध में और संपत्ति। तो बाबा ने कहा दो बातें, संबंध और संपत्ति। अब इसका देखो उपाय कितना सुंदर बताया, इस दुनिया का कोई भी संबंध हमारा नहीं है। बाबा ने क्या कहा, तुम्हारा देखो नेक्स्ट टाइम क्या बोली, संबंध भी अविनाशी और संपत्ति भी अविनाशी। अंडरलाइन, आत्मा का संबंध अविनाशी कैसे होगा, जब एक परमात्मा के साथ जुड़ेगा। और अगर आत्माओं के साथ नीचे संबंध है तो भाई भाई के नाते से, क्योंकि एक पिता की संतान है। अगर पिता नहीं है तो भाई भाई आ ही नहीं सकता। जिस आत्मा को बाप की ठीक तरीके से पहचान नहीं होती कि ये मेरा बाप है, ये मेरा अपना बाप है, मेरा बाप है, जिसको इसकी पहचान नहीं होती ना, उसको भाई भाई की पहचान हो ही नहीं सकती। मैं किसी भी आत्मा को संबंधी ही देखूंगी, भाई नहीं देख पाऊंगी, और तब वहां प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो प्रॉब्लम मेन कहाँ आई, कि मैंने उसको बाप माना ही नहीं है, खाली मुख से बोल रही हूँ। बाप मान लो तो जिम्मेवारी उसकी हो गई, चिंता ही सारी खत्म हो गई आत्मा की, मानती नहीं है तो चिंता आ जाती है। तो बाबा ने कहा संबंध भी अविनाशी, पक्का कर ले आज से, एक अविनाशी संबंध है हमारा, एक। बाबा कहते हैं देखो ये भगवान उवाच है, भगवान उवाच क्या कह रहे बाबा, संबंध तुम्हारा अविनाशी है और संपत्ति भी अविनाशी। क्या संपत्ति है आत्मा की, आंतरिक सुख। ये जो आंतरिक सुख है कैसे आता है, जब संबंधों में और संपत्ति में डर समा जाता है ना, तो आत्मा असुरक्षित महसूस करने लगती है अपने आप को, असुरक्षित, सेफ्टी नहीं है अब उसकी, क्योंकि तो संबंध भी उसको विनाशी वाला दिखता है, पति है ना ये तो, बच्चा है ना ये तो, विनाशी संबंध, कभी भी छोड़ के चले जाएंगे वो तो, जाते ही रहते हैं, दुनिया में होता ही रहता है। हम आंख बंद करके बिल्ली की तरह, कबूतर है ऊपर, हम सोचते मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, सब ठीक रहेगा, सब जा रहे हैं दुनिया से और जाएंगे भी, विनाशी है, जाना ही है। तो होता क्या है, आत्मा का जब संपत्ति भी अविनाशी हो जाती, संबंध भी अविनाशी हो जाता, उसके अंदर सुरक्षा आ जाती है, इतनी सेफ्टी महसूस करती है वो। और तब दुनिया में लोग कहते हैं कि आपका कुछ नहीं होते हुए भी है, ब्रह्मा कुमारी को क्यों बोलते हैं ऐसे, ब्रह्मा कुमार कुमारी को, आपके पास कुछ भी नहीं फिर भी आप इतने खुश रहते हो कैसे, कुछ भी नहीं है फिर भी इतने नाचते रहते हो कैसे, क्यों, क्योंकि आत्मा को ये समझ धीरे धीरे बढ़ रही है, ये नहीं कि बढ़ गई है, लेकिन आत्मा को समझ बढ़ रही है धीरे धीरे, सब कुछ अविनाशी है इस आत्मा का, कुछ भी विनाशी नहीं है, तो डर किस बात का है इस आत्मा, खुद भी अविनाशी है, संबंध भी अविनाशी है, संपत्ति भी अविनाशी, डर किस बात का है ना। तो इसलिए संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी, तो उसके अंदर आंतरिक सुख रहता है, तो वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा, है ना। अभी अभी चर्चा कर लिया ना हमने, अगर बाप को अविनाशी महसूस नहीं करेंगे तो भाई भाई भी अविनाशी महसूस नहीं होगा, का कुछ भी अविनाशी महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा, जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता तो क्या होता, तो आत्मा सदा संतुष्ट, सेटिस्फाइड, क्योंकि असंतुष्टता उसकी है ही क्यों, क्योंकि सब चीज में डर समा गया है, और डर समाने के कारण असंतुष्टता है। ये सुंदर बात बोली बाबा ने, जब
सब कुछ अविनाशी प्राप्त हो जाता है तो आत्मा सदा संतुष्ट। कोई भी बात सामने होगी जो किसी भी बात से प्रॉब्लम नहीं होगी, मान लो अभी मुरली कर रहे हैं, कोई वेग में रूप आ जाता है, हलचल करने लगता है, कोई चिल्लाने लग जाता है, कोई तोड़ा फोड़ी करने लग जाता है, शांत। हमें पता है अभी जैसे मॉर्निंग में अमृत वेला चल रहा था, किसी की खांसी की आवाज आ रही थी, शांत। हमें पता है होना ही है, हर चीज को स्वीकार। अमृत वेला हो रहा है, खांसी की आवाज आ रही थी, स्टॉप। हाँ उपाय कर सकते हैं उसका, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। स्टॉप, हर चीज स्वीकार, हर बात स्वीकार, एक भी संकल्प न चले आत्मा के, है ना। तो सदा संतुष्ट, और बाप की सर्वात्माओं की अति प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है, माया के रूप में, अंदर संकल्पों के रूप में आती है, तो घबराते नहीं है। तो माया, हमने पहले भी चर्चा की है, माया दो रूप से आती है, एक डराने के रूप से जो बाबा ने बताया माँ बाप बनती है, डराने के रूप से आती है, और दूसरा आती है फिर कभी कभी आकर्षण के रूप से भी, अपनी तरफ खींचने के लिए भी आती है कभी कभी, ऐसे भी आती है। तो दो तरीके से माया आती है। तो अभी बाबा जिस माया की बात कर रहे हैं वो घबराने वाली माया, तो बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है, संकल्प के रूप में आ भी गई है उसके पास में, आती है तो घबराते नहीं, क्योंकि संकल्प का प्रभाव पड़ना बंद हो गया ना आत्मा के ऊपर। जितना ज्यादा शुद्ध संकल्पों का प्रभाव बढ़ता जाएगा, मैं अविनाशी आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, ये हो गया अविनाशी। तो जितना इसका अंदर में भाव बढ़ता जाएगा, आत्मा के अंदर स्मृति से अनुभव बढ़ता जाएगा, तो उसका वो वाला अनुभव बंद होता जाएगा, परेशानी वाला, डरने वाला, घबराहट वाला। ये डिपेंड करेगा कि हमारे अंदर कितना ये वाला अनुभव बढ़ा है। जितना ये वाला अनुभव बढ़ेगा उतना वो वाला अनुभव खत्म होता जाएगा अंदर से। तो बाबा ने कहा कि परेशान नहीं होते, मिक्की हाउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। मिक्की माउस होगा यहाँ पे, हाउस लिखा है गलती से छपा है, तो मिक्की माउस का खेल जैसा लगता है। अभी देखो एक लाइन छूट गई, बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं है, ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है, बेहद के पर्दे पर। लेकिन बाबा यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि मिक्की माउस का खेल देखो इसको, ऐसे नहीं कह रहे बाबा। ये जो हम सुनते आते हैं ना, मिक्की माउस का खेल देखो, ये तो मिक्की माउस है, ये तो खेल जगत है, ये तो ड्रामा है। लेकिन कब? जब अविनाशी संबंध है, जब अविनाशी संपत्ति है। अगर आत्मा ने बाबा के साथ संबंध ठीक ठीक नहीं जोड़ा है, अपने को आत्मा नहीं समझा है, तो उसको अविनाशिता का बोध नहीं होगा। और जिसको अविनाशिता का बोध नहीं होगा उसको कभी भी ये ड्रामा जैसा अनुभव नहीं होगा, ये खेल जैसा अनुभव नहीं होगा, ये मिकी माउस जैसा अनुभव नहीं होगा। अंडरलाइन बाबा ने क्या कहा यहाँ पे, जब संबंध अविनाशी और संपत्ति अविनाशी, तो बाबा ने कहा कि ये जो मिकी माउस के खेल जैसा लगेगा बेहद के पर्दे पर, जितना अविनाशी महसूस करेंगे, तो रूट कॉज क्या हुआ, बीज क्या हुआ। कल परसों बाबा ने कहा था बच्चे बीज को नहीं पकड़ते हैं, ऊपर ऊपर झाड़ पे चल रहे हैं, बीज ही है अविनाशी। बाबा ने कहा नेक्स्ट लाइन, माया के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिकी माउस के रूप में अनुभव करते हैं। माया का रूप है लेकिन लगेगा जैसे मिकी माउस है ही क्या, ये खेल चल रहा है जगत में, है ही क्या, ये बड़ी से बड़ी बात भी, किसी ने शरीर भी त्याग दिया, किसी ने सुसाइड भी कर लिया, किसी ने मारा मारी भी कर ली, काटा काटी भी कर ली, सब अविनाशी है, सब खेल है, सब खेल। अच्छा अभी 5:56 हो गए हैं, अनाउंसमेंट भी करना है, सबने एग्जाम जो दिया, तो एग्जाम में एक बात ये भी आई कि दो नंबर्स ऐसे हैं हमारे पास में जिनके नाम हमारे पास नहीं है, तो हम नंबर अनाउंस करेंगे, और आप में से कोई होंगे जिनका ये नंबर है और आज मौजूद है, तो जरूर से चैट बॉक्स में लिखेंगे सभी,
जिनका भी वो नंबर होगा, अपना नाम लिख देना उस नंबर के साथ में। तो एग्जाम के रिजल्ट है इस हफ्ते की, फर्स्ट पोजीशन है मीनाक्षी कौशिक, फर्स्ट पोजीशन मीनाक्षी कौशिक। ताली तो बजाओ, खुशी नहीं हुई? आत्मा भाई फर्स्ट पोजीशन पे आया, खुशी नहीं हुई? फर्स्ट पोजीशन पे दूसरा नाम है चेल्सी मौर्या, नई आत्मा है ये, इसके लिए तो और भी ताली बजानी चाहिए, डबल ताली, एकदम न्यू आत्मा है ना, 2-3 महीने हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जबकि जॉब करती हैं दिन भर, डॉक्टर हैं, दिन भर बाहर रहती हैं, बहुत अच्छा, काबिले तारीफ कहेंगे ना सब आत्माओं के, सबके लिए। और जो फर्स्ट पोजीशन में तीसरी नंबर की आत्मा है, पोजीशन तीसरा नहीं है, पोजीशन तो सबका फर्स्ट बता रहे हैं अभी, लेकिन तीसरा जो नाम है वो अज्ञात है, यानी हमको उनका नाम पता नहीं है। ये नंबर है, नोट करें, ध्यान देंगे सभी, 9816। 9816685 36। चूंकि ये नंबर भी गलत था, इसमें एक नंबर कम था, इसलिए भी पता नहीं चल पाया। तो ये कौन है, अगर इस नंबर से थोड़ा अपना पता लगा सके खुद भी, 9816685 36, तो चैट बॉक्स पे लिखते, ठीक है। सेकंड पोजीशन है 9931859853, ये है किसका, जीरा मनी, जीरा मनी नाम दिया हुआ है। दूसरा नंबर अज्ञात है, मैं नंबर अनाउंस कर रहे हैं तो आप सुने किसका है, वो भी चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। 9525392658, 9525392658। और सेकंड पोजीशन पे तीसरा नंबर का नाम है ज्योति कुमारी, अच्छा अब है थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे पहला नंबर का नाम है अनीता खंडेलवाल, दूसरा है निर्मला, निर्मला टुसनियाल, और तीसरा है कविता सोनी, ठीक है। तो जो दो नाम अज्ञात है, अभी तक पता नहीं चला है, ग्रुप में भी शायद आज आए नहीं है, तो इनके लिए अभी एक वीडियो प्ले करेंगे, और उसके बाद में अगर टाइम मिले आप लोगों को तो दादी के लिए एक बहुत सुंदर, उसके साथ हम योग भी करेंगे और गीत भी सुन लेंगे हम लास्ट में, तो कोई भी जाए नहीं, पूरा फिनिश करके जाना, ठीक है। बहुत सुंदर गीत है, उसके साथ योग भी लगाएंगे हम, क्योंकि वो गीत दादी को बहुत पसंद था, है ना, तो वो गीत चलेगा इसके बाद में। तो पहले एक वीडियो सभी के सेलिब्रेशन के लिए, जो फर्स्ट पोजीशन थर्ड आए उनके लिए भी और बाकियों के लिए भी, सभी के लिए प्रेजेंट करें।
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। ओम शांति। अब हम सभी दादी का जो गीत अभी चलेगा उसके ऊपर थोड़ी देर योग करके जाएंगे, थोड़ी देर और रहें, 3-4 मिनट का ही शायद गीत है ये छोटा सा। अब प्रेजेंट करें दीवे। एक अनाउंसमेंट है, जो भी है एक बार सुनिए, बाकी तो सब लीव कर गए। आज शाम को 7:30 बजे से
रिट्रीट स्टार्ट हो रहा है तो खुद भी ज्वाइन करेंगे, याद रहे इसलिए अभी अनाउंस किया है ना, बाकी तो चले गए, भूल गई मैं, ध्यान नहीं रहा। आप जो जो लीव किए हैं उनको भी याद दिला देना, ठीक है? शांति।